हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो कल वाली वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। फाइल को अनप्रोटेक्ट करते हैं पहले। तो ये मैंने फाइल खोली है कल वाली। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया ये और इसको खोल दिया। अब इसको अब यहाँ से अनप्रोटेक्ट करते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ सारा प्रोटेक्ट फाइल, इसको यहाँ पे क्लिक किया और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इसको कर दिया कैंसिल, ओके कर दिया। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया फाइल। ये देखिए, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं दोबारा खोलता हूँ इसको। ये देखिए, फाइल अनप्रोटेक्ट हो गई है। चलिए इसके बाद वो चलते हैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानते हैं कि इसका क्या काम है एक्सेल में। तो देखिए, जैसे ये आ रहा है कट, इस पर लिखा रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल प्लस एक्स। और इसको इस पर लिखा है रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिप बोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मतलब इसको, इसका हिंदी में मतलब ये है कि इसको कहीं भी आप कुछ भी कट करके और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं पूरा फॉर्मेट के साथ में। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इसमें पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, मेरा नाम अमित कुमार है, तो मैंने लिखा अमित कुमार। अब इसको मैं कट करता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स से, कर दिया। अब मैं इसको कहीं भी यहाँ लेके जाना है एफ कॉलम में, तो मैं इसको लेके चला गया एफ कॉलम में। ये देखिए, ये इसे इसको बोलते हैं कट। अब अगर इसको मुझे कॉपी करना है, जैसे कि ये कॉपी करना है यहाँ पे, तो इसमें ड्रॉपडाउन है, ड्रॉपडाउन को मैं करता हूँ तो इसमें लिखा है कॉपी या कॉपी एज अ पिक्चर। ये अभी नया फीचर आया है, कॉपी एज अ फीचर पिक्चर, और होता सेम ही है, लेकिन अब इसको कॉपी पे ले जाते हैं। तो इसको खाली ये देखिए, इसमें लिख रहा है कि इसको कॉपी करेगा सिलेक्शन को। अब मैं इसको ही कॉपी करके देखता हूँ। ओके, ये देखिए, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे ले गया, पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब मैं इसको चाहूँ कितनी बार भी पेस्ट कर सकता हूँ एक बार में। ये देखिए, मैं यहाँ पे ले गया, पेस्ट कर दिया। ये इतने सारा पेस्ट हो गया एक बार में। अब अगर इसको फॉर्मेट भी करना है मुझे, तो अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, इसको फॉर्मेट देखिए ऐसे करेंगे। जैसे मैंने इसको अभी दे दिया येलो कलर, अब इसको येलो कलर देना है, तो इसको ये देखिए फॉर्मेट प्रिंटर है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर में लेके आएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, पेस्ट हो गया एक में। अगर इसको सब में पेस्ट करना है, तो इसको कॉपी, पहले यहाँ से इसको कॉपी किया, फिर इसको ऐसे किया और उसके बाद ये पूरा सिलेक्शन किया। ओ, यहाँ से सिलेक्ट हो गया, गलती से यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पर डायरेक्ट क्लिक किया और यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेक्शन किया। ये देखिए, ये नीचे तक सेलेक्ट हो गया, फिर से ही गलती से सिलेक्ट हो गया यहीं पे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप, पूरा सिलेक्ट हो गया फॉर्मेट। अब इसको फॉर्मेट को हटाना है, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। तो होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इतने के फीचर के मतलब बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें न्यूमेरिक में। देखिए, जैसे फॉन्ट है, अब फॉन्ट को चेंज करना है, तो मैं इसमें अंडर गया ड्रॉप डाउन के अंदर और इसमें ये देखिए, इतने सारे इसमें फंक्शन दे रखे हैं। और देखिए, जैसे जैसे मैं फंक्शन को ऐसे आगे करता जा रहा हूँ, इसमें देखिए कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्लैक यहाँ पे, अगर आप A4 में देखेंगे, रेंज A4 में, तो देखेंगे सब कुछ चेंज हो रहा है अपने आप ही। अगर मैं इसको यहीं पूरा सिलेक्शन करके पूरा लेता हूँ और इसमें ये वाला फॉर्मेट देता हूँ, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। ये देखिए, फॉन्ट चेंज हो गया, बड़ा हो गया फॉन्ट अपने आप ही। अब मैं इसको ये वाला फॉर्मेट कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देते हैं। इसमें ये देखिए, अब आ रहा है ये, इसके नंबर भी बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ भी अगर टाइप भी कर सकते हैं, और अगर टाइप ना करना चाहे तो इसमें आप यहाँ भी दे सकते हैं जो दे रखे हैं। ये देखिए कैसे बढ़ रहा है अपने आप ही, फिर स्मॉल भी हो गया, छोटा अपने आप ही हो गया छोटा। और इसका एक और वर्ज़न भी है यहाँ भी, ये देखिए, अगर इसको छोटा करते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा, ये बड़ा करेंगे तो इसको बड़ा होता जाएगा। ये देखिए कितना आसान है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, और इसी की प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।